हेलो एवरीवन, वेलकम टू विनकर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। विनकर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं सहायक कुल सचिव असिस्टेंट रजिस्ट्रार की जो वैकेंसी आई थी एमपीपीएससी के थ्रू, उसका फर्स्ट पेपर सामान्य ज्ञान। और जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं, मध्य प्रदेश का भौगोलिक परिचय। फर्स्ट क्वेश्चन है, भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश किसका भाग है? भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश भाग है गोंडवाना लैंड का। धूपगढ़ चोटी किस रेंज में स्थित है? धूपगढ़ चोटी स्थित है सतपुड़ा रेंज में। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी यह स्थित है महादेव पर्वत श्रेणी में। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में सेकंड स्थान है। कौन सी नदी मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा बनाती है? दक्षिणी सीमा बनाई जाती है ताप्ती नदी के द्वारा। विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक। नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है? नर्मदा घाटी स्थित है विंध्याचल एवं सतपुड़ा के मध्य। महादेव पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? महादेव पहाड़ियां स्थित है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी ऊंचाई कितनी है? मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी की ऊंचाई है 1,350 मीटर। मध्य प्रदेश की सीमा गुजरात के किस जिले से मिलती है? मध्य प्रदेश की सीमा गुजरात के वडोदरा जिले से मिलती है। मध्य प्रदेश की न्यूनतम सीमा किस राज्य में मिलती है? यह मिलती है न्यूनतम सीमा जो मिलती है वो मिलती है गुजरात से। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य से मिलती है? मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा मिलती है उत्तर प्रदेश से। मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से मिलती है? मध्य प्रदेश की सीमा मिलती है 5 राज्यों से। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है 30,82,52 वर्ग किलोमीटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं स्टडी मटेरियल शेयर करने के लिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9752730।